हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो वीकली चार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। और वीकली में हमने डिस्कस किया था, जो एक वीडियो था उसके अंदर, कि यहाँ पर यह पहले क्या था कि ये ए बी और सी था और ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोट था, दैट वाज अराउंड 15,676। और उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 15,676 को ब्रेक कर देगा देन इमीडिएटली हम यहाँ पर 15,200 के आसपास जा सकते हैं। और ये जो टारगेट था वो टारगेट जोन को उसने हिट किया और अब यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है और यहाँ पर ये लेबलिंग भी चेंज हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था। देन दिस विल बी ए, फिर ये बी हो जाएगा और ये सी। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो सी वेव का जो एक्सटेंशन होता है वो 100% के आसपास होता है। तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि 15,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वीकली के हिसाब से। और आप देखिए कि एग्जैक्टली 100% का एक्सटेंशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और मार्केट अब क्या है कि ग्रेजुअली यहाँ पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी भी ये वीकली का स्ट्रक्चर एल्यूट वेव के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग ही लग रहा है। ये ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर विद इन द बुल मार्केट ये एक करेक्टिव पैटर्न है और अब यहाँ पर फिफ्थ वेव के लिए ग्रेजुअली जा सकता है। अब हम चलते हैं डेली की टाइम फ्रेम में और डेली में किस तरह का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। तो डेली की टाइम फ्रेम में हम देखें यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्ट्रक्चर, बिकॉज प्राइस जो है अब 20 एंड 50 EMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और सी वेव के अंदर यहाँ पर आप देखोगे ये पांच सब वेव्स बहुत ही क्लियर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी था, जो मैंने अभी एक वीडियो प्रीमियम वीडियो अपडेट किया था उसको मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट किया है, लास्ट वीडियो ही आप जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस हिसाब से हमने एक इंटरमीडिएट बॉटम आइडेंटिफाई किया था। और आप देखिए कि मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो प्रीमियम अपडेट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब तक यहाँ पर 15,200, 15,300 का जोन प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है करता है तब तक यहाँ पर 16,200 के आसपास एक मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारी रह सकती है। यहाँ पर गैप भी थी, वो गैप को उसने फील कर दिया है और अब डेली के अंदर ब्लू बार्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स कि अब जो है स्ट्रक्चर ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड बुल्स क्या टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पर 200 SMA जो है उसको भी टारगेट करने का ट्राई कर सकते हैं और इमीडिएटली यहाँ पर जो एक टारगेट बन सकता है दैट कुड बी अराउंड 16,800। तो अब क्या है कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी रैली कर दी और यहाँ पर आप देखोगे हायर हाई स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हाई बनाने के बाद ये हायर लो था, देन हायर हाई हायर लो, इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है। और डेली की RSI हम देखें तो अब देखिए कि डेली की RSI जो है अभी भी 60 को क्रॉस नहीं कर पाई है। सो क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली की है तो माइट भी यहाँ पर ये जो टारगेट जोन था 16,200 के आसपास उसको उसने ऑलरेडी हिट किया है, तो एक थोड़ा पोज ले सकता है मार्केट। और यहाँ पर अब क्या है कि रिट्रेसमेंट के अंदर 15,950 से लेके यहाँ पर 15,850 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन को ये होल्ड कर रहा है यहाँ पर निफ्टी 20 MA को कंटिन्यूसली होल्ड करता है या तो उसको रिटेस्ट करके एक वापस बाउंस करके ये हाई को क्रॉस कर देता है तो फिर क्या है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी कि गोइंग फॉरवर्ड 16,500 से लेके 16,800 और इवेंचुअली यहाँ पर 200 SMA के आसपास भी हम जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर अभी क्या है कि निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, रादर हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। यहाँ पर 950-850 जो जोन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तब तक क्या है कि हमें एग्रेसिव सेलिंग नहीं प्रीफर करना चाहिए। आप इंट्राडे में कुछ 20, 25 या 50 पॉइंट के लिए सेल कर सकते हो बट पोजिशनल व्यू जो है दैट इज़ बाय ऑन डिक्लाइन, राइट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। निफ्टी से मतलब बैंक निफ्टी ने क्या है कि काफ़ी आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीकली की में हम देखें तो वीकली में क्या था, निफ्टी ने ये जो स्विंग लो था सी वेव का उसको ब्रेक कर दिया था, फिर लेबलिंग चेंज हुआ था बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 32,250 के आसपास का जो स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वीकली में यहाँ पर 50 वीक EMA के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट किया है बट एक स्ट्रांग बेस है। जब तक यहाँ पर वीकली में 32,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक अब क्या है कि यहाँ पर हमें कोई
बहुत बड़ा सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली आप देखो कि यहाँ पर इनसाइड बार था वीकली के अंदर, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसके हाई को क्रॉस किया था यहाँ पर इनसाइड बार के, और फिर एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। वो थीसिस भी मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी डेली के अंदर कि यहाँ पर 35,000 के आसपास एक शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं, और आप देखिए कि यहाँ पर 35,000 का जो टारगेट था वो ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। फिर एक टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ था यहाँ पर 75 मिनट के अंदर, दैट वी हैड ऑल्सो डिस्कस। यहाँ पर 33,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के हमने लॉन्ग किया था, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितने भी अपसाइड के टारगेट थे वो अचीव हो गए हैं। और अब जो डेली का स्ट्रक्चर है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर आप देखोगे जो लेवल था 34,400 के आसपास, उसको यहाँ पर गैप था, और वापस यहाँ पर 50 EMA के ऊपर गैप है। तो ये एक आइलैंड रिवर्सल सॉर्ट ऑफ सेटअप है गोइंग फॉरवर्ड। 34,400 ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग सपोर्ट रह सकता है। जब तक 34,400 को ये शॉर्ट टर्म में ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में भी आपको बाय ऑन डिक्लाइन का ही अप्रोच रखना चाहिए। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है लेवल 36,200, या तो ये 200 SMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 36,600, उसके आसपास जा सकता है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कि डेली की RSI जो है उसने 60 को क्रॉस कर लिया है, दैट मीन्स कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर थोड़ा कॉन्सोलिडेट हुआ हायर रेंज में और फिर ब्रेकआउट दिया तो दैट वुड बी आइडियल सेटअप, और फिर वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 36,200 36,500 के आसपास जा सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने बताया 34,400 एक क्रूशियल शॉर्ट टर्म का एक लेवल है। जब तक उसके नीचे हम ट्रेड नहीं करते तब तक हमें बाय ऑन डिक्लेयर का अप्रोच रखना चाहिए। अब जो कुछ मोमेंटम स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है दैट इज़ PVR। PVR का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा यहाँ पर ठीक लग रहा है, एलिवेट वेव के हिसाब से एक आइडियल सेटअप नहीं है, बट यहाँ पर देखिए कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है, बट मूविंग एवरेज वाइज हम देखें यहाँ पर 20-50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर डेली की RSI आप देखोगे डेली की RSI जो है वो भी यहाँ पर 60 के ऊपर है, यहाँ पर इनफैक्ट 60 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। तो ये स्ट्रक्चर मूविंग एवरेज वाइज स्ट्रांग लग रहा है। एलिवेट वेव का भी एक मतलब मॉडरेट सेटअप है, एक स्ट्रांग सेटअप है ऐसा तो नहीं कह सकते, बट एक मॉडरेट सेटअप लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 2100, 2100 से लेकर 2150 तक जाने का उसमें पोटेंशियल है। और इंटरेस्टिंगली इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर वीकली में टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वीकली में टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है। तो जब तक यहाँ पर ये जो लो है दैट इज़ अराउंड 1666 ये लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 2150 2100 तक जाने की उसमें प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक स्टॉक है दैट यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस का डेली का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, एक आइडियल वेव 4 का सेटअप था यहाँ, दैट मीन्स कि LUTO का एक सेटअप था यहाँ पर जो जिसको हम बोलते हैं सेटअप 1 बाय, और यहाँ पर 50 वेव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो पूरा सेटअप है मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था, यहाँ पर 6 जुलाई को मैंने शेयर किया था आई थिंक, और उस टाइम पे ये जो स्टॉक है इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 188, और ये स्टॉक हमने प्रीमियम एनालिसिस में भी कवर किया था BTST के तौर पर। एक दो दिन उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया और एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर ब्लू बार बना है, और आप देख रहे हो कि ये जो टारगेट है मॉब का इट इज़ ओपन। तो ये जो टारगेट है मोस्ट प्रोबेबली 12 जुलाई तक ये टारगेट हो जाना चाहिए, मतलब आने वाले जो 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर ये जो टारगेट है वो हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो मिनिमम टारगेट दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 205, और जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंशन आ सकता है, तो हो सकता है माइट भी 210 के आसपास भी जा सकता है। बट अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा क्या है कि एक्सटेंड हो गया, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है तो थोड़ा एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है अराउंड 190-192, तो वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आता है तब आप ऐड करने का ट्राई करोगे, तो फिर क्या है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट हो सकेगा। बट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 204 दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, तो आप अपने हिसाब से आपके सेटअप के हिसाब से उसको प्लान करके ट्रेड कर सकते हो। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज लुकिंग गुड इज अरमान फाइनेंस।
अरमान फाइनेंस का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। आप देखिए कि ये जो है ब्रेकआउट, ये जो रेंज है, ये रेंज को उसने ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, और ये ब्लू बार बना है, कंसेक्यूटिव ब्लू बार्स बन रहे हैं, और वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। और अभी ये जो टारगेट है मॉब का वो अचीव नहीं हुआ है, और ये जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये टारगेट हो सकता है 1458 के आसपास का आप टारगेट लगा सकते हो। और ये जो टारगेट है मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई से लेके मैक्सिमम यहाँ पर 18 अगस्त तक अचीव हो जाना चाहिए। तो ये एक स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और एल्यूटिव के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये क्या है कि थर्ड वेव के अंदर हो ऐसा लग रहा है। ये जो एडवांस है यहाँ से ये थर्ड दिखा रहा है, बट इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये 1 2 ये 3 4 एंड 5 करके ये वेव 1 कम्प्लीट किया है। नाउ दिस इज ए बी एंड सी करके वेव 2 है, और हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखें, बिकॉज वेव 4 में इतना शार्प रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये वेव, ये जो रिट्रेसमेंट आप देखें कि यहाँ पर एग्जैक्टली 0.618 के आसपास है। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ऐसी थीसिस मुझे ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर अब क्या है कि थर्ड वेव में हो, और 100% का भी एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ एक्सटेंशन आया तो 1.618 के आसपास भी जा सकता है। तो वो लेवल्स क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगर 100% का एक्सटेंशन आया तो आप 1500 के आसपास का टारगेट ले सकते हो, और अगर कुछ जिस हिसाब से हमारी थीसिस है 1.618 का एक्सटेंशन आया तो यहाँ पर 1870 के आसपास भी जा सकता है। तो ये एक स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है एल्यूटो के हिसाब से, और यहाँ पर जिस हिसाब से मूविंग एवरेजेस अलाइन है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, तो इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा एक जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ ICICI बैंक। ये लार्ज कैप स्पेस में मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। उसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये 200 SMA को उसने गैप के साथ कॉन्कर किया, और उसका वीकली का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। ये वीकली में हमने LU2 के हिसाब से ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बट वीकली में आप देखोगे कि ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हो ऐसा लग रहा है। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ब्रेकआउट उसने यहाँ पर कन्फर्म किया है, ये जो अपर चैनल है उसको ब्रेक कर दिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी क्या है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और डेली में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। ये जो सॉरी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 757 के आसपास है आई थिंक। तो ये 757 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर क्या है कि 780 या तो 800 के आसपास जा सकता है, या तो रिट्रेसमेंट में भी आप उसको प्लान कर सकते हो कि अगर 200 SMA के आसपास एक पुल बैक आए यहाँ पर जो लेवल है 740 के आसपास, और यहाँ पर गैप भी है, दैट मीन्स कि 735-740 की रेंज में आता है। तो यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप उसको प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 780-800। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।